हेलो, आई एम विकट खान। मैं क्वींस हॉस्पिटल के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे एक इमरजेंसी में आई थी। आई हैव अ 7 month प्रेगनेंसी जिस वक्त मैं यहाँ आई थी, एंड अचानक बिकॉज ऑफ लेबर पेन मुझे यहाँ दिखाया गया, एंड डॉक्टर जैस्मिन सर्वे ने मेरी डिलीवरी की थी। प्रीमैच्योर बेबी था मेरा, सिर्फ 900 grams की मेरी बेबी थी, 27 weeks की। तो यहाँ पे उसे काफ़ी केयर मिला, NICU में रखा गया डॉक्टर तालिब सर्वे के अंडर। उसका सारा प्रोसीजर्स किया गया, काफ़ी कोऑपरेट किया डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, पूरे स्टाफ ने, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम। सो आई जस्ट से थैंक यू टू देम। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा में मनसे नेता इरफान सैयद को जान से मारने की धमकी मिली है। कुछ दिन पहले ही मनसे नेता इरफान सैयद ने अवैध सर्विस सेंटर जो मुमरा में चल रहे हैं उन पर कार्रवाई की मांग की थी, और मनपा ने कई सर्विस सेंटर पर कार्रवाई इरफान सैयद को साथ में लेकर की थी। इरफान सैयद ने मुमरा पुलिस स्टेशन में लेटर देकर शिकायत की है कि कल रात करीब 10 बजे के आसपास में करीब 5 से 6 लोग दारुल फलाह मस्जिद के पास उन्हें रोक लिए और धमकी दी है। कहा है कि ईद बाद तुझे ठिकाने लगा देंगे, तू बचेगा नहीं, ऐसा इरफान सैयद का कहना है। और इस संबंध में मुमरा पुलिस में शिकायत लेटर भी देकर कार्रवाई की इरफान सैयद ने मांग की है। इरफान सैयद ने मिली धमकी को लेकर क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। इरफान भाई, किसने आपको धमकी दिया है, इसके संबंध में आपने लेटर भी जमा किया है, क्या मामला है? अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों के जरिए से बताना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले मैंने इसकी शिकायत जो है दिया था, ITI डाल करके मालूमात हासिल किया था कि मुमरा में सर्विस सेंटर जो है इलीगल चल रहे हैं। उसके बारे में सालों के सर ने कार्रवाई भी की थी, जिसमें 2 सर्विस सेंटर पर की गई थी जो कि TMR करके इलीगल पानी, पीने का पानी जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या पीने का पानी जो मुमरा कौसा में MLT जो बढ़ाई जाती है, इसलिए बढ़ाई जाती है कि सर्विस सेंटर को वो पानी मिले? इसलिए नहीं बढ़ाई जाती है, इसलिए बढ़ाई जाती है कि यहाँ के जो रहवासी लोग हैं उनको पीने का पानी प्राप्त हो। और जो है मुझे जो है जो जान से मारने की जो धमकी कल दी गई है मुझे, मैं नमाज पढ़ के तरावी पढ़ के आ रहा था दारुल फलाह से, उस सर्विस सेंटर के लोग हैं, जरूरत पड़ेगी तो मैं नाम भी लूंगा उनका, और मुझे कह रहे हैं कि ईद के बाद मैं तेरा हाल करता हूँ। तो मैंने इसकी जो है जानकारी यहाँ के बड़े साहब सीनियर साहब को दिया है लिखित में कि हमको जो है यहाँ के सर्विस सेंटर वाले जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। क्या धमकी, कैसा दिए थे, क्या कहा था? मुझे ये कहा कि सर्विस सेंटर की जो तो कार्रवाई करवा रहा है तेरे लिए जो है, तू जो है ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, तुझे जो है ईद बाद तुझे हम लोग मार देंगे, ऐसा उन्होंने हमें खुला कहा है। लेकिन हम फोन निकालते निकालते वो लोग भाग गए, पैदल थे, हम नमाज पढ़ के निकले थे। पहचानते हो? हाँ, हम उनको पहचानते हैं, अगर हमें वो मिलेंगे तो हम जरूर उनको ये दारुल फलाह से हम निकल करके अपने घर की तरफ जा रहे थे, अमृत नगर की तरफ, तो दारुल फलाह और ये जो होटल है उसके बीच में। अच्छा, एक बार तो जिस तरह से बोला गया था सालों के साहब की तरफ से कि सर्विस सेंटर के बाद अभी लगातार कार्रवाई होगी, आपके नजर में कोई कार्रवाई हुई है? 2 सर्विस सेंटर को हमको लेकर के उन्होंने कार्रवाई करे थे, दोनों इलीगल पाए गए और टीम आ रहे थे और उनकी जो है कार्रवाई की। हालांकि ये सालों के सर थोड़ा डीले भी कर रहे हैं, ताकि उनके ऊपर FIR अभी तक होना चाहिए। अब FIR वो कितने भी करते हैं कितने भी नहीं करते वो तो हम बाद में आपको जानकारी इसकी देंगे, और इनके ऊपर इलीगल FIR होना चाहिए। बाद सर्विस सेंटर पे कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? नहीं, सालों के सर से हम बराबर सर्विस सेंटर का फॉलोअप ले रहे हैं, लेकिन वो हमको कह रहे हैं कि हम 2 दिन के बाद करेंगे, अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया है। तो अभी आप क्या करेंगे, अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं किया है तो आप मन से स्टाइल में आप क्या करेंगे? नहीं, अभी अगर वो कार्रवाई नहीं करते सर, देखिए इलीगल घोषित हो गया है सर्विस सेंटर, और इलीगल सर्विस घोषित होने के बाद में ये ITI है और सर्वे भी है कि मतलब इलीगल है, अगर नहीं करते तो कुछ तो यहाँ के प्रवर्तन विभाग के सोलन के साहब है, पुलिस के पास आप गए थे लेटर दिए, मैंने उसके वहाँ पर तो पुलिस ने क्या कहा है साहब से? मैंने यहाँ के पुलिस सीनियर साहब से, हमने जो है उलटकर साहब से हमने 2 मांगनी किया है, एक तो अपनी सुरक्षा के लिए कि जो मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, और दूसरी हमने कहा है कि इनके ऊपर कार्रवाई FIR क्यों नहीं हो रही है? सालों के सर को अभी तक FIR इन लोगों के ऊपर खिलाफ होना चाहिए, तो सालंग सर को बुलाने के लिए बोले हैं कि हम बुलाकर उनसे बात करेंगे।